बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर का दौरा करेंगे। दोपहर 12:15 पर सबसे पहले बलरामपुर में अखिलेश की जनसभा होगी। दोपहर 1:30 पर इटावा, सिद्धार्थनगर में वो रैली करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 2:40 पर महाराजगंज में सपा अध्यक्ष की जनसभा होनी है। इसके बाद वहीं शाम 4:00 पिपराइच, जहां गोरखपुर में अखिलेश जनसभा करेंगे, और ठीक पिपराइच में शाम के वक्त में सीएम योगी भी यहां दहाड़ लगाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में दोनों जो धुरंधर हैं वो आज गोरखपुर में रहेंगे। सपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करेंगे और वोट की अपील करेंगे अखिलेश यादव। 3 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे अखिलेश। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव 4 जिलों का दौरा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे दामोदर शुक्ला संवाददाता, हमारे साथ गोरखपुर से लाइव जुड़े हैं। दामोदर, इस पूरे जो दौरा है अखिलेश यादव का और इसके साथ ही जो वो जनसभाएं करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, किस तरह की तैयारियां हैं? बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह दौरा अहम माना जा रहा है। बलरामपुर जनपद में 12:15 पर पहुंच रहे हैं, और यदि हम बात करें मुद्दों की और किस तरह से सपा का मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि 2022 में हम 22 मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, जिसमें युवाओं को रोजगार देने से लेकर पुरानी पेंशन बहाने से लेकर और तमाम योजनाएं थी, जिसमें किसानों को खाद देने की बात कर गई। शायद उसी को अपने वोटरों को विश्वास दिलाने के लिए बलरामपुर जनपद पहुंच रहे हैं, और यह दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है अखिलेश यादव का। ठीक है, दामोदर अपनी नजर बनाकर रखेगा, आपको रोकना चाहेंगे।